सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ ऐसी बहुत सारी अपडेट जो आपकी काम के होने वाली है, चाहे टूरिस्ट में हो, चाहे सेटलमेंट के बारे में, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे स्पाउस वीज़ा हो। बहुत सारी अपडेट मैं अपने यूट्यूब में डालता रहता हूँ। अगर आपने भी कहीं किसी के कंट्री का टॉपिक चाहते हैं या जाना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रोमानिया कंट्री के बारे में। रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री का पार्ट का हिस्सा है, बट ये शेंगेन का हिस्सा नहीं है। रोमानिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, जहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अपना। अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो रोमानिया सबसे अच्छी डेस्टिनेशन कंट्री होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो फीसिज़ है बहुत कम फीसिज़ है यहाँ पे अदर किसी कंट्री के मुकाबले। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बता दो। यहाँ पे आप 45% से अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी कम है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बैंक स्टेटमेंट कब है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में या इसकी एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, कोई ज़्यादा बड़े डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे बहुत ही इजीली वीज़ा मिल जाता है। बट सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, इनका साल में सिर्फ एक ही इंटेक होता है, वो है सितंबर इंटेक। अगर आप सितंबर इंटेक के लिए जाना चाहते हैं, 10 जुलाई से पहले पहले अप्लाई कर लेंगे तो आपको कम बजट में यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे। अगर 15 जुलाई के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही कॉस्टली फीसेज का सामना करना पड़ सकता है। रोमानिया उन बच्चों के लिए जो जगह जगह से रिफ्यूज़ हो रहे हैं, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, फिर रोमानिया। इन कंट्री अगर आप रोमानिया में अप्लाई करते हैं तो ये कंट्री आपको वीज़ा दे देती है। अगर आप शेंगेन के 10-12 जगह से भी रिफ्यूज़ है तो भी रोमानिया में कोई इशू नहीं है, वो आपको आराम से वीज़ा दे देते हैं। रोमानिया में अप्लाई करने के लिए सिंपल आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए और आपका MOI एलोवर चाहिए और आपका एक स्काइप एक छोटा सा इंटरव्यू होता है 5 मिनट के लिए, वो भी फेस करने के लिए। वो चेक करते हैं कि आपकी जो इंग्लिश है थोड़ी बहुत ठीक ठाक है कि नहीं। ये नहीं कि हम पढ़ाते हैं आपको कुछ समझ में ना आए, थोड़ी सी अच्छी सी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए ताकि वो समझ सके। जब आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं वहाँ भी एक इंटरव्यू मैंडेटरी है, बट अभी तक जितने बच्चों को मैंने अप्लाई करवाए थे वहाँ पे, सब बच्चों ने यही कहा कि वहाँ पे किसी प्रकार कोई इंटरव्यू नहीं हुई थी हमारी। बट फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को बताना कि वहाँ पे इंटरव्यू मैंडेटरी है, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच का आपकी इंटरव्यू जरूर होगी वहाँ पे। और जो वीज़ा है 10 से 15 दिन के अंदर वीज़ा इशू कर देते हैं, तो इनकी एडमिशन है वो अप्रैल में शुरू हो जाती है, जो कि 15 जुलाई तक रहती है। कोर्सेज की बात कर लेते हैं, जहाँ पे टेक्निकल स्टडी भी बहुत सारी है, मैनेजमेंट की स्टडी भी होता है, यहाँ पे होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे स्टडी है, डिफरेंट टाइप के कोर्स अवेलेबल है। अगर MBBS के लिए भी जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे MBBS के लिए सबसे अच्छी डेस्टिनेशन है। MBBS के लिए जहाँ पे जो फीसें शुरू हैं 4.5 से 6 लाख के बीच में कॉलेज की ट्यूशन फीस है। जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको एक छोटा सा एक इंटरव्यू देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको MBBS में आपको सीट मिल सकती है। अगर आप रोमानिया जाना चाहते हैं कम बजट के अंदर, तो आप अभी अप्लाई करें, नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर के साथ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी के जरिए मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेज के असेसमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा रोमानिया का टॉपिक अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।